आज का विषय है राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रीय आय का ही एक भाग है। राष्ट्रीय आय वो है कि हम उसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। वास्तव में जब हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे होते हैं तो उस समय हमें लिखने की बात नहीं आती, केवल हमें इतना जानने की बात आती है कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लेखांकन में क्या संबंध है, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे और हो सकता है इसके दो पार्टों में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय केवल और केवल हम एक सैद्धांतिक रूप में जानते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय लेखांकन को एक दिमाग में बिठा लो कि ये एक लेखा है, उसी को जो राष्ट्रीय आय को अभी तक हमने समझा, अब उसी राष्ट्रीय आय को हम लेखा बना रहे हैं आगे भविष्य की जानकारी के लिए या भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए या आगे तुलना करने के लिए या और भी जो कुछ उसके उपयोग होंगे और काम जो लेंगे उसके लिए हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके रख रहे हैं। यह है राष्ट्रीय आय लेखांकन, यानी वही राष्ट्रीय आय को हम लिख रहे हैं, लिख के रख रहे हैं, वो है राष्ट्रीय आय लेखांकन। इसी राष्ट्रीय आय लेखांकन को हम सामाजिक लेखांकन भी कहते हैं, सामाजिक सोशल अकाउंटिंग कहते हैं, सामाजिक लेखांकन। अब हम ये राष्ट्रीय आय लेखांकन समझें उससे पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का स्ट्रक्चर यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, तब हम उसको ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसकी शुरुआत सर विलियम पेरी, इन्होंने 1676 में पॉलिटिकल अरिथमेटिक नामक बुक लिख करके इसकी शुरुआत किया था और उसमें उन्होंने एक ये लाइन लिखी थी कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का जोड़ है। इसमें इन्होंने ये दिया था पॉलिटिकल अरिथमेटिक में कि एक देश की राष्ट्रीय आय उस देश के श्रमिकों द्वारा किया गया कार्यों का जोड़ है। जो श्रमिकों उस देश के श्रमिकों ने काम किया है वो सबका जोड़ है। तो शुरुआत 1676 में सर विलियम पेरी ने कर दिया था और फिर सर ग्रेगरी किंग 1696 इन्होंने भी इंग्लैंड में बचत एवं व्यय संबंधी अधिमान तैयार किया था। तो इस तरह से एक क्रम यहाँ से यहाँ तक आया और इसके बाद डायरेक्ट 1945, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि बीच में काम नहीं हो, बीच में भी काम होते रहे, लेकिन बस वही है कि कुछ का नाम होता है और कुछ का नाम नहीं होता, या यूं कह लें कि उनका जो सिद्धांत था इतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत उसका यूज तो होता ही रहा। तो 1819वीं शताब्दी से होते हुए साइमन कुज़नेट्स को के पास आया, इन्हीं को आधुनिक ऐसा भी कह सकते हैं कि आधुनिक जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो तरीका है उसका सारा श्रेय साइमन कुज़नेट्स को जाता है, क्योंकि साइमन कुज़नेट्स ही सबसे पहले एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन को या राष्ट्रीय आय को एक विधिवत वैज्ञानिक तरीके से सजाया था, एक वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक तरीके से उसको सिस्टमेटिक किया था। तो इसलिए साइमन कुज़नेट्स को हम कह सकते हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक हैं, पिता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जब जो ये डाटा तैयार करता है, जो राष्ट्रीय आय का डाटा तैयार करता है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट सिस्टम, यानी वो जो जिस तरीके से वो करता है उस तरीके को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट सिस्टम। और ये कब से शुरू किया है, 1960 से। ये 1945 एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 1945 का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इन्होंने ऐसा किया था। तो ये टाइम 1944 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है।
पीछे नहीं होगा। तो इन 3 सालों के अंदर ही ये काम हुआ था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ 1907 से राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है, राष्ट्रीय आय की एकांकन कर रहा है, लेखा कर रहा है, और वो जो लेखा जिस तरीके से करता है उस लेखे का नाम है स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट्स सिस्टम, शॉर्ट में SNAS। तो ये सिस्टम तैयार किया। तो अभी तक तो हम लोगों ने अपने भारत देश की बात नहीं की, बल्कि भारत से आउट की बात किया, यानी शुरुआत तो हमने अक्सर यही देखा कि शुरुआत में भारत का तो नाम आते ही नहीं, जबकि है, लेकिन बस ये है कि उसको हम लोग विश्व पटल पे न भेज पाए, और उन लोगों ने अपनी ही बात को वहाँ पे रख लिया। तो ये जो है हमारी कमी है। तो अब हम देखते हैं फिर भी भारत में शुरुआत कहाँ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब उसे राष्ट्रीय आय को एकत्रित करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अब तो सारा सिस्टम अपने हाथ में रहना था। तो फिर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति ही जो है वो नेशनल अकाउंटिंग का काम किया करता था, लेकिन 1950 में NSSO की स्थापना हो गई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई, और राष्ट्रीय आय समिति का सारा कार्य NSSO को सौंप दिया गया। तो तब से NSSO करता था। फिर उसके बाद ये जो राष्ट्रीय आय अकाउंटिंग का काम है वो CSO को दे दिया गया, और अब जो आंकड़े हैं और सर्वेक्षण है वो दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं।